यस फारुक भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर आप मुझे बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जी सर, मेरी कैसे आवाज हैं? ऑडिबल है? फर्स्ट क्लास ऑडिबल, एकदम कंक्रीट, फैंटास्टिक। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया। घर पे था सर, मैं ऑफिस पहुंच गया। जी, क्या करते हैं फारुक आप भाई आप? फार्मा फ्रेंचाइजी है सर, एजेंसी है, ओके मैं मेडिसिन सप्लाई करता हूँ सर। जी। स्टॉक मार्केट का रुझान कब से और क्यों? फरवरी एक्चुअल स्टॉक मार्केट का रुझान तो सर लास्ट ईयर अक्टूबर से रुझान था ओके मेरे, मतलब साली के घर वाले जो है वो कर रहे हैं, ओके और उन्होंने मुझको मतलब ये बताया था कि ये करना है आपको, तो 2-3-4 महीने तो मैंने कुछ किया नहीं, डीमैट में अकाउंट ओपन करवाया नहीं, जी उसके जी बाद मैंने करवाया और फरवरी से मैंने डीमैट ओपन करवाया, जी और फॉर्चुनेटली तभी से मुझको आपका यूट्यूब चैनल मिल गया सर। तो जी सबसे बड़ा एक तो मेरा ये है, और जी एक थैंक। लेवरेज कंसल्टेंट करके है सर, नवीन मित्तल सर का, ओके ये दो मैं फॉलो करता था सर, ओके लेकिन ओके उसमें क्या वो प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं तो वो ओके मेरी समझ में थोड़ा आया नहीं, और ये अपना जो है ऑप्शन चेंज पे वो मतलब जी जी मैथमेटिकली काम इसमें हो सके ऐसी कंडीशन है, जी तो जी जी मैं वैसे ग्रेजुएट हूँ और जी मैंने मेरा स्टैटिस्टिक मेरा सब्जेक्ट भी था सर, ओ सुपर सुपर सुपर। तो मैथमेटिक्स के मतलब साथ में ये काम जी करना मुझको थोड़ा सुटेबल लगा, तो फिर हम और आप एक ही नाव में सवार तो मैं ऑप्शन चेंज हैं। के साथ मतलब चलने का मैंने डिसीजन लिया, फैंटास्टिक और तब से मैं कंटिन्यूअसली आपको यूट्यूब पे फॉलो कर रहा हूँ सर, मैंने एक भी जी वीडियो आपकी छोड़ी नहीं है, और मैं हर जी रोज आपको शुक्रिया देख रहा हूँ। शुक्रिया शुक्रिया और फिर जी ये 15 मई से आपने स्टार्ट किया अपना ये ट्रेडिंग जी रूम, ट्रेनिंग रूम। करेक्ट करेक्ट। तो अब डे वहीं वन से से हैं, जी अब डे वन से हैं आज। हाँ, फ्रॉम द फर्स्ट डे सर, जी डे दिस वन इज से योर ही हूँ थर्ड मंथ। 3 महीने हो गए सर, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं सर? लोग ये जानना चाहेंगे। जी सर। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है इसमें कि खुद अकेला मतलब कहीं पे भी चलते हैं जी तो बंदा कहीं देर तक जाने में थोड़ा सा थक जाता है, जी 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 कारवा जी जब बनता है तो उसके जी साथ फिर अच्छा रहता है सर ट्रेडिंग। बहुत गुम और बहुत गुम। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मतलब ये जो ट्रेडिंग है जी वो जो ये कैंडलस्टिक अप एंड डाउन है जी उसमें होता तुम्हारा मतलब बॉडी का हार्ट बीट भी फ्लक्चुएट होता रहता है सर। करेक्ट अगर आप किसी मतलब एक्सपर्ट के साथ बैठे हो जी तो कम से कम आपको एटलीस्ट इतना तो गाइडेंस रहेगा कि आप मतलब लॉस में निकल सकते हो, लेकिन कम से कम लॉस में कैसे निकल सकते हो सही बात ये आपको पता चलेगा। जैसे कल अपना जो लाइव ट्रेडिंग रूम था उसमें है जी। दो बंदे इस तरह से वो एक फॉल्स स्टिक आई पूरी, जी, फॉल्स कैंडल में हाँ फंसे थे वो लोग। स्टॉप करेक्ट लॉस हंटिंग वाली जो कैंडल आई थी जी। तो भी वो दोनों निकल गए सर, आपके साथ बैठे हुए थे। जी तो जी कोई जी जी एक्सपर्ट अगर साथ है आपके तो जी आप मतलब प्रॉपर गेन भी कर सकते हो अपने प्रॉफिट को, और कम से कम लॉस कर सकते हो सर, जी। बहुत तो ये सबसे बढ़िया, मतलब बेस्ट पार्ट है। थैंक यू। और ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया सर फरवरी से, हाँ ओके इसी साल इसी साल फरवरी से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। जी। इनिशियली मैंने इक्विटी में मतलब पूरा इन्वेस्ट किया हुआ था, ओके ओके लेकिन इक्विटी में भी जिस जिस स्टॉक में मैंने एंट्री की थी मेरे पास नॉलेज था नहीं, जो मुझको बताया गया उसी हिसाब से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। ओके वो उस टाइम पे पीक पे था मार्केट, जी। तो पीक पोजीशन में सारी स्क्रिप्टें मेरे खराब हो पोर्टफोलियो में आ गई। गई, जी। फिर मैंने उसको जैसे तैसे करके उसमें से मैं निकल गया, जी और आपको मैं फॉलो कर रहा था, जी तो फिर उसके बाद ये 15 मई से जी आपके साथ जुड़ गया हूँ, जी और अभी तक मेरा लक ये लक सेट नहीं हुआ कि मैं लाइव आपके साथ एक ऑप्शन चेन का क्लास कर सकूं, तो जल्दी से जल्दी शायद होने जी की तैयारी में है सर अभी। जी हम पूना कोशिश कर रहे थे, उड़ीसा हाँ कोशिश कर रहे थे। अब मैं जी, अब सूरत आ रहा हूँ सर मैं आपके नहीं नहीं सर, लिए। डेफिनेटली मैं सूरत के लिए तो मैं मतलब वहाँ पे पहुँच ही जाऊँगा सर। जी। तो फारूक भाई, मैं सिर्फ एक आदमी की वजह से मैं उड़ीसा गया था, ठीक हाँ जी है, सर, और आप वो इंसान है जिसकी वजह से मैं सूरत आने वाला हूँ, डेफिनेटली ठीक डेफिनेटली है। सर, चेक, कुछ ही लोग होंगे, पाऊंगा जरूर, ये हाँ प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है मेरा। मैं पहुँचूंगा। जी जी और मैं सबसे पहुंचूंगा। सबसे बड़ी ये ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग आपने मतलब जूम पे लाइव किया है, ट्रेडिंग रूम। हाँ हाँ जी हाँ ट्रेडिंग रूम सर, जी
सारे बैठे होते हैं तो उस टाइम तो मतलब इतना खुल के बोल नहीं सकते, लेकिन बोलना भी चाहिए। चेहरा जो है ना आपका जी वो वाकई में मतलब इमोशनल मतलब टच रखते हो आप, के किसी के भी साथ अगर बैठे हैं जी तो फिर तुम्हारे पास जितना भी है वो जी आप सर्व करने की कोशिश कर रहे हो सर, जी जी कि जी मैं जितना जानता हूँ वो सारी चीजें मतलब मैं मेरे स्टूडेंट को जी सिखा दूं। जी 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 और जी इंडिपेंडेंट एक लाइफ, हर एक मतलब स्टूडेंट की एक इंडिपेंडेंट लाइफ हो जाए, जी खुद से जी वो करना सीख जाए, ये करेक्ट पूरा करेक्ट आपका मतलब उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है सर। जी जी इसलिए मेरी कोशिश रहती है फर्क भाई कि ट्रेडिंग में सिर्फ हम एडवाइसेस की बात ना करें, क्या खरीदना है क्या बेचना है वो तो होगा ही होगा, क्या जी कौन सी जी कॉल लेनी कौन सी पुट लेनी वो तो हम करेंगे करेंगे, बट जी आई सर मेक श्योर कि अगर मुझ पे किसी ने इन्वेस्ट किया है, बेसिकली आपने वो पैसे मुझे ट्रेडिंग में टिप्स के लिए नहीं दिए हैं, जी आपने मुझ में इन्वेस्ट किया है वो पैसा, है ना, तो जी आप एक सर भरोसे के साथ मेरे पास आते हैं, जी जी तो वहां एक मेरी ड्यूटी बन जाती है कि जो इंसान मुझसे जुड़ा है वो सिर्फ एडवाइसेस के साथ ना रहे, वो कम से कम टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जहां वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं फिर भी वो प्राइस एक्शन नहीं सीख पाते हैं, ट्रेंड लाइन को यूज करना नहीं सीख पाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं सीख पाते हैं, तो जी ये सर सब चीजें मैं डेली करता हूँ, है ना, तो जी डेली मुझे लगता है कि शायद ट्रेडिंग रूम में आने के बाद आधे से ज्यादा लोग तो खुद भी सेल्फ ट्रेंड हो जाते हैं, जी सर है ना, तो कहीं ना कहीं जब मैं एरो मार्क करता हूँ कि हाँ यहाँ से निकल जाइए यहाँ या यहाँ से घुस जाइए, जब एरोज मार्क करते हैं वहीं से बाजार चलता है, कितने लोग ऐसे हैं, कितनी खुशी की बात है 3 महीने हुए इसको स्टार्ट किए हुए, वो लोग अपने आप ट्रेड ले रहे हैं उसके बेसिस पे, करेक्ट जी सर ना, तो जी कितनी खुशी की बात है। आज लोग पहले सवाल इतने होते थे क्या लें क्या लें क्या लें, अब धीरे धीरे जो लोग यहाँ टाइम बिता रहे हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रेड लेते चले जा रहे हैं, जी है ना, कोई जो 500 कमाता रहा जो 5,000 के क्लब में आ गया है, बात सबसे बड़ी सही बात है। है, तो ये मेरी दिल से जो काम करने की जो इच्छा थी ना कि लोगों को मैं शायद इस लायक बनाऊं कि उसको नौकरी ना करनी पड़े, बस मेरा बात मूड ये सही है है कि कोई नौकरी ना करे, जी क्योंकि सर यहां से 1,000 रुपए कमाना सच में पॉसिबल है डेली, जी मात्र 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज, इट जी इज जी इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, करेक्ट ना, पॉसिबल पॉसिबल सर, डेफिनेटली पॉसिबल। पॉसिबल पैशन के साथ बैठना है, और आपकी जो जी कमेंट्री है जी उसको परफेक्टली अगर कोई सुनेगा तो जी मैं ऐसा मानता हूँ कि डेफिनेटली वो दिन में एक ही ट्रेड सिर्फ करेगा और जी कुछ नहीं करना है उसको, कुछ ही करना तो है, भी सही वो बात, 2-3 हज़ार रुपये आराम से निकल के जाएगा। बहुत आराम और से जिसके जाओगे पास नॉलेज है और नॉलेज के साथ आपको कोऑर्डिनेट करता है वो जी तो डेफिनेटली पैसे बनाएगा ये बाजार में, क्योंकि जी जी लाइव ऑप्शन ऑप्शन चेन का मास्टर होना और जी लाइव ऑप्शन चेन को रीड करना जी वो बेहतरीन आपके पास सर उसमें स्टाइल है। शुक्रिया शुक्रिया सर शुक्रिया। जैसे वो कुछ 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 है हमारी टीम में, जैसे सावित्री मैडम हुई या कुछ और लोग हुए जिन्हें जी सर कैपिटल भी अच्छा है और एक्सपीरियंस भी अच्छा है, जी सर जैसे आपने कहा कि वो फाइन ट्यून करते हैं मेरी वर्डिंग से साथ में, और बाकी लोग जहाँ 5,000 बना रहे होते हैं ऐसे लोग 50,000 बना रहे होते हैं, जी सर है ना, तो क्यों पॉसिबल है, लर्निंग की वजह से ना, सिर्फ लर्निंग की वजह से, वो सर एक्सपीरियंस के साथ ग्रेजुअली आ एक्सपीरियंस, जाएगा सबके करेक्ट, अंदर। सबके अंदर आएगा, करेक्ट मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आपका अपना जो लाइव ट्रेडिंग क्लास है, आपका तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे जितने भी जुड़े वो तो हमारा ये जी उन सबको आपने अपना ही बना लिया है और जी आपको सब अपना मान भी रहे हैं सर। तो थैंक यू सर ये जो अपना जो लाइव ट्रेडिंग क्लास है सर उसमें जी नया बंदा जो होगा फ्रेश जी मेरे जैसा, मेरे को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, और मैंने लास्ट वीक एक्सेप्ट भी किया था तो जी मैंने अभी तक 1 रुपया भी स्टॉक मार्केट के पीछे गवाया नहीं है मैंने मेरी लाइफ जी में, क्योंकि मैं जी बिल्कुल फ्रेश हूँ। और जी पहले ही दिन से मुझको आपकी यूट्यूब चैनल इत्तेफाक से मिल गई, या मेरा जी फॉर्चुनेट है, तो उसमें जी मैंने गवाया शुक्रिया नहीं। तो जो भी थैंक नए बंदे हैं वो यू भी ग्रेजुअली आपको 6 महीने 12 महीने फॉलो करेंगे, दो तीन बार ऑप्शन चेन की क्लास अगर अटेंड करते हैं वो, जी तो जी हो डेफिनेटली वो अपने आप में इंडिपेंडेंट बन जाएंगे सकते ऐसा। हैं हो सकते हैं हाँ हो सकते हैं वो हो जाएगा सर। हो जैसे सकते अभी हैं ये दीपक मंदियान जी है, सावित्री जी जी मैडम है, जी 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 ये श्रीधर सर है, ये लोग जिस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं जी करेंगे उस तरह से दूसरे लोग भी इसको कर सकेंगे कर सर। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, सब कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है सर, मैं हमेशा से कहता हूँ बच्चों का खेल है, जी बट सर लोगों को मजाक लगता है कि इतने डिफिकल्ट मार्केट को बच्चों का खेल क्यों कहा जाता है, प्रॉब्लम ये है जी, कि हम लोग ऑप्शंस में रातों रात ना करोड़पति बनना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, वो तो कहीं पॉसिबल कहीं नहीं है, भी जी सर इस मार्केट का नाम स्टॉक मार्केट है, पहले जी सर स्टॉक्स को समझिए, ऑप्शन समझ में आ जाएगी, है ना, जी सर क्योंकि ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स डिराइव्ड है, वो जी फ्यूचर सर से निकल के आए, फ्यूचर्स हैं वो लोग, वो उनका पेरेंट कौन है, पेरेंट इज इक्विटी, करेक्ट यस सर ना, तो पहले इक्विटी समझ लें, ट्रेंड समझ लें, कहाँ खरीदना है वो समझ लें, बेसिकली सवाल क्या है, क्या खरीदें, क्यों खरीदें, जी सर कहाँ खरीदें, फिर जी सर कितना खरीदें, जी सर और कहाँ एवरेज करनी है, जी यही तो बचता है, उसके बाद बाकी निकलना कहाँ है, तो ये 6 सवाल जिसको समझ में आ गए उसके लिए स्टॉक मार्केट आसान हो ही ना, सही बात है सर, और इससे ज्यादा डेफिनेट करने की जरूरत नहीं है, हम कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाते हैं, हम
प्राइस सेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऑप्शन चेन की स्टडी आपके साथ शेयर करते हैं, है ना। जी सर। और ये बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही मैजिकल। लोग हैरान हो जाते हैं कि हम कभी कभी बोलते हैं कि ये हरी कैंडल बनने वाली, लाल कैंडल बनने वाली, ऐसी बन जाती है जी सर है जी। ना, ऐसा नहीं ये क्यों होता रीडिंग है। है ना सर, आपकी रीडिंग है ये, रीडिंग पे मतलब हम जो अभी लाइव क्लास में बैठ के जो देख रहे हैं वो जी रीडिंग है आपकी, आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंगली मतलब मार्केट बिहेव करता है सर। मैं 3 महीने से बैठा हूँ, जी आपको भी पता है कि मैं सबसे सबसे ज्यादा पैशन के साथ मैं ही बैठा हूँ। सबसे मैं पेशेंस, सबसे पेशेंस, करेक्ट। एग्रेसिव ट्रेडिंग मैंने अभी तक तो नहीं की है ढाई महीने नहीं में, करी है, नहीं करी है। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हो उसी तरह से मेरा मानना यह है कि उसी तरह से मार्केट बिहेव करता है। और जी जहां पे भी ट्रेडिंग नहीं करनी, जी एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग नहीं करनी थी, जी तो जी आप बिल्कुल मना कर रहे थे कि आज के दिन ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है, आप जी बैठो आराम से, ट्रेडिंग जी करनी ही नहीं। तो जी जी ये पैसे जो गवा देते हैं लोग वो बच जाएंगे, वो भी जी एक कमाई है सर मेरे हिसाब से। बहुत बड़ी कमाई है, तो बहुत बड़ी कमाई। एनी एनी एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्न्ड एक्चुअली, यस सर। है ना। तो पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न्ड, बचा लिया तो वो भी मेरा पैसा है ना। जी सर नहीं जी तो सर जाने वाला था एमटूम लॉस में, 10,000-20,000 लग जाने वाले थे, है ना, सही बहुत बात है आसानी से, सर। एक झटके में लगने वाले थे। और जब क्लास स्टार्ट किया तब अब डिस्कशन हुई थी कि अभी ऑप्शन में काम करेंगे, मतलब निफ्टी 50 में ही काम करेंगे, ऐसा जी मतलब आपने बताया था। जी लेकिन मैं ग्रेजुअली लास्ट 1 मंथ से देख रहा हूँ आप जी इक्विटी में भी उतना सपोर्ट कर रहे हो सबको जी सर। जी 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 आप जी मतलब शेयर रिकमेंड कर रहे हो कि ये ले लो, ये ले लो, ये, और लाइव में जी आप मतलब सारी चीजें ये करवा रहे हो। तो मतलब कैपिटल, ये ऑप्शन के साथ साथ इक्विटी में भी जिसके पास कैपिटल है वो उसमें भी करेक्ट। गेन, उसमें भी गेन कर सकेगा सर। जी। हाल फिलहाल कितने अच्छे स्टॉक्स हमने डिस्कस किया हमने, जी कितने सर बढ़िया, जी 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 कितने मैं लास्ट बढ़िया। 1 मंथ से देख रहा हूँ सर, आप काफी अच्छे स्टॉक उसमें मतलब लाइव ट्रेडिंग क्लास में वो भी कर रहे हैं सर। तो उसमें जी जिसके पास कैपिटल है वो उसमें इन्वेस्ट करेगा तो वो उसमें डेफिनेटली गेन करेगा सर। गेन करेगा, बिल्कुल सही बात है, जी राइट। सुदीपक जी, सुनने वालों के लिए, जो लोग इसको सुनेंगे इस वीडियो को, है ना, ये बहुत दिल से आपका फीडबैक रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सर। बाकी लोगों के लिए कोई एक पीस ऑफ एडवाइस, एक वन लाइनर, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। सर मैं जितने भी अगर सुनेंगे उनको ये बताना चाहता हूँ कि भावनाओं के साथ अगर किसी को भी ट्रेडिंग भावनाओं के साथ करना है, और भावना इमोशनल चीज क्या है, इमोशनल टच से मतलब किसी का भी नुकसान, मेरा नुकसान, जी ये ऐसी सोच रखने वाले इंसान के साथ कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है तो स्टॉक पाठशाला में मिस्टर विपुल कौशिक के साथ विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए डेफिनेटली ज्वाइन करें, थैंक यू ऑप्शन सर, चेन का क्लास भी ज्वाइन करें और थैंक यू सर, लाइव ट्रेडिंग थैंक यू, क्लास भी ज्वाइन करें सर। तो लवली सर, लवली। ये सर आप जो बता रहे हो कि आप जो जितने ट्रेडिंग में जुड़ रहे हैं वो मेरे क्लाइंट्स हैं, और जी वो आप बखूबी 2.5 महीने से तो बिल्कुल क्लियरली निभा रहे हो सर कि आप क्लाइंट को साथ लेके जी उनकी पूरी मतलब स्ट्रेटेजी को सेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो सर। और दिल से कह रहा हूँ विथ सर, दिल से कह रहा हूँ, विथ दिल से कूल कहने की माइंड, कोशिश है। विथ जी विथ वेरी कूल माइंड, वेरी कूल माइंड सर। कूल माइंड, करेक्ट, हाँ आपका माइंड भी बिल्कुल कूल रहता है कि अगर कोई मतलब आगे पीछे कोई सवाल भी हो जाए फिर भी मैंने जी अभी तक 2.5 महीने में कभी आपको एक्साइट होते नहीं देखा सर। तो विथ थैंक कूल माइंड यू सर। सर, थैंक यू सर। सर 20 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, जी और सर 20 साल में स्टॉक मार्केट के साथ मैंने 16-17 साल तो नौकरी की है इस इंडस्ट्री के अंदर में, जी सर तो मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी इनिशियल डेज में मनी बहुत लॉस खाए हैं, ऐसी बात नहीं है, जो मैंने भी बिना सीखे समझे सिर्फ अपने टिप्स एडवाइजरी पे मैंने भी काम किया था, और ब्रोकर्स की टिप्स के ऊपर में हम भी फंसे थे, ऐसी बात नहीं है। जी सर पर जब बाजार में समझे थे, 2008 में आखिरी नुकसान था जो मेरा, एक अच्छा खासा नुकसान था, लोग जानते हैं उस बात को, बहुत अच्छे से जानते हैं। 2008 के बाद मैंने शायद बाजार में नुकसान कभी खाया नहीं, राइट। जी 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 तो जी इट इज बिन ऑलमोस्ट 14 ईयर्स नाउ, जी और सर ये अनुभव मेरा सेल्फ लर्न्ड है, जी और मुझे, मेरा कोई मेंटोर नहीं है, मेरा मेंटोर मार्केट है। और मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि आई एम लकी कि भगवान ने, शायद ऊपर वाले ने मुझे शायद वो नॉलेज नवाजी है कि मैं शायद इन डेटा को, नंबर्स को, हालांकि स्कूल में मैं मैथमेटिक्स में फेलियर था, मैं, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, जी बट सर पता नहीं ये कनेक्शन कहाँ से हुआ कि ये ऑप्शन चेन का मैथ समझ में आ गया, है ना। जी और ऊपर वाले जिस जो नॉलेज नवाजी है उसको लेके चल रहे हैं सर, आप लोगों के साथ में, आप लोगों की दुआओं और प्यार के साथ। ओके सर उम्मीद करता हूँ सर आगे और मजा आएगा, डेफिनेटली सर कनेक्टेड रहिए सर, है ना। जी 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 सर और कोई कोई भी डेफिनेटली कोई भी बात है करनी है तो आपको मालूम है मेरा नंबर आपके पास, जी सबके पास जी मेरा सर पर्सनल नंबर जी सर जी सर है। जस्ट कॉल अवे, जस्ट कॉल अवे। डेफिनेट डेफिनेट थैंक यू डेफिनेटली फारुख भाई, सर थैंक यू सो मच, ओके सर टेक केयर सर, ओके टेक सर केयर, ओके टेक सर केयर, टेक केयर गुड सर, डे सर। गुड डे, गुड डे, थैंक यू।